नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी अलवर में जिला प्रमुख की लड़ाई की, जिसको लेकर बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। फिर बात होगी दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने आज बीजेपी पर जमकर वार किया है। साथ ही बात करेंगे कहां चार मौतों से सनसनी फैल गई, और आखिर में बात होगी एक शिक्षक के स्मार्ट पहल की, जिससे 52 छात्रों का भविष्य संवर रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। अलवर में जिला प्रमुख की लड़ाई को बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है। पिछले चुनाव में मात खा चुकी बीजेपी इस बार जिला प्रमुख के साथ ही 16 पंचायतों पर कब्जा कर 2023 की मजबूत दावेदारी पेश करना चाहती है। देखिए बाबूलाल धायल की ये स्पेशल रिपोर्ट। नीति यह है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के परिश्रम पे भरोसा है, दूसरा ये अवसर कांग्रेस भी दे रही है। अलवर में पंचायत चुनाव की जंग को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पिछले विधानसभा चुनाव में अलवर में बुरी तरह से पिछड़ने वाली बीजेपी पंचायत चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी ने पिछले गलतियों से भी सीखा है, तो हेम सिंह भड़ाना समेत सभी पुराने नेता एकजुट होकर जीत की रणनीति बना रहे हैं। जिला परिषद में क्या गणित होता है, लोग सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी चाहते गहलोत सरकार सब उब चुके हैं, गहलोत सरकार के कामों से उब चुके हैं, निर्दलियों के तांडव नृत्य से उब चुके हैं, बहुजन वालों से इतनी लूट का सूट है कि आम आदमी त्रस्त है। अलवर में हाल ही में हुई आपराधिक और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी यहां गांव की सरकार बनाने का सपना संजोए हुए है। पार्टी ने अपने फायर ग्राउंड लीडर और पूर्व मंत्री मदन दिलावर को अलवर का प्रभारी बनाया है, तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाकर अपनी जीत का भरोसा दे रहे हैं। इनकमबेंसी है, खासतौर पर बेरोजगार पूरे राजस्थान में आंदोलित हैं कि जिस तरीके से एक संगठित नकल के तौर पर बहुत सारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में किया अशोक गहलोत की सरकार ने, किसानों की कर्जा माफी, क्योंकि गांव के चुनाव हैं, गांव की सरकार के चुनाव हैं, कानून व्यवस्था ऐसी है कि न व्यक्ति पाताल में सुरक्षित है, न आकाश में, न जमीन पे, न गाड़ी पे, न घर में, न अस्पताल में, न स्कूल में। जिला परिषद की 49 सीटों और 16 पंचायतों को फतह करने के लिए पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है। पिछली बार क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के दम पर जिला प्रमुख के पद पर कब्जा करना है। कांग्रेस खुद अंतर्कलह की शिकार है, जिस घर में इस तरीके से झगड़ा हो तो मुझे लगता है कि जनता की निगाह में भी है कि वो अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सकती। अलवर में इस बार भी जिला प्रमुख के लिए फिर घमासान से इनकार नहीं किया जा सकता। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि आंकड़ों में कांग्रेस बीजेपी पर 20 बैठती है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।